वापस आना सफल रहा। अच्छा किया वापस आए, अच्छा किया वापस आए, और अभी काफ़ी टाइम बचा भी हम लोग के पास में। तो ये देखिए किस तरह से मैंने कैसे भी मैनेज करके पैक किया है। तो मेरे पास कोई भी कैरियर नहीं था, बस एक साड़ी गार्ड लगा हुआ था लेफ्ट में, तो इस तरह से पैक किया। एक तो साड़ी गार्ड पे बांध दिया, दूसरा जो है यहाँ पे मुझे लगाना पड़ा। लेकिन यही है वो बुद्धा का स्टैचू जो मैं आपको बता रहा था। ये इसी रॉक में क्रीविंग करके बनाया गया, अराउंड 300 to 350 ईयर्स ओल्ड है ये स्टैचू। इस वक्त हम हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब में, जो गुरु नानक देव जी से जिसकी कथा जुड़ी हुई है। कि वो जो पत्थर रखा है वो उस राक्षस ने गुरुजी पे फेंका, लेकिन चमत्कारिक रूप से वो पत्थर मोम की तरह बन गया और गुरुजी का शरीर उसमें चला गया। लेकिन राक्षस ने उन्हें मरा हुआ मानकर ये सोचा, और आके देखा तो गुरुजी बिल्कुल ठीक ठाक थे। अब मेरे पीछे जब देख रहे हैं वो जो ब्राउन कलर में दिख रही है वो है जंस्कार रिवर, और ये जो ब्लूइश है ये है सिंधु नदी, इंग्लिश में बोले तो इंडस रिवर, जो पाकिस्तान के थ्रू बहते हुए आती है यहाँ पर। ये देखो क्या ऑसम व्यू दिख रहा है पूरी लेह सिटी का यहाँ से। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था मेरे को, थोड़ा हेल्थ इशू भी था तो ज़्यादा हम नहीं वो मैनेज कर पा रहे थे, लेकिन हाँ अभी थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ। दिनेश सर द सीनियर मोस्ट पर्सन इन आर ग्रुप। खार डुंगला, आहा डुंगला पे डुंगला, खार डुंगला, आहा। सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, हेयर फ्रॉम कारगिल, और हम रात को कल पहुँचे थे। वी वर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम और एक से डेढ़ घंटे तक हम लोग फंसे रहे, लेकिन शुक्र है जैम उसके तुरंत बाद क्लियर हो गया था। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पहुँचे रात में तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब में। और ये जो है हमारा स्टे होटल बॉर्डर व्यू करके जो है इसका नाम है, अच्छा स्टे लगा हमें, सर्विसेज भी अच्छी थी, ओके थी, और खाना भी हम लोग ने कल रात में खाया, डिनर बहुत बढ़िया एग करी बना के दी इन्होंने हम लोग को। और अभी सुबह सुबह नाश्ते में जो है ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा और ब्रेड ऑमलेट वगैरह दिया, अच्छा टेस्ट था। अभी हम लोग का सब नाश्ता वगैरह हो गया है, 3-4 लोगों का बचा है, और आज हम लोग को जाना है कारगिल से लेह जाना है, मतलब मेन लद्दाख में एंट्री करनी है। रास्ते में आएगा संगम वैली जहाँ जंस्कार रिवर और सिंधु रिवर का मिलन होता है, संगम वैली आएगी, मैग्नेटिक हिल आएगा। वैसे मैग्नेटिक हिल पिछली बार दिखाई चुका हूँ, इतना हाइप बनाया जाता है उतना इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन देखेंगे कुछ भी चेंज आ सकता है, क्या पता इस बार कुछ हो जाए। और इसके अलावा एक फोटिला पास आएगा, मतलब एक दो पासेज आएंगे, अपना मैग्नेटिक हिल आएगा और संगम वैली आएगी, सब दिखाते हुए हम आपको लेके चलेंगे। और अभी नाश्ता ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर गाड़ियों पर हम सब अपना सामान लोड करेंगे, कुछ लोगों ने शुरू कर भी दिया है, हम उसके बाद करेंगे शुरू, और फिर आपसे मिलते हैं सब सामान लोड होने के समय। सो वी ऑल आर गुड टू गो, और पैकिंग पूरी हो चुकी है, और हमारे सुदीप भाई का वेट हो रहा है, उनकी जो बुलेट है बुलेट 500 उसमें थोड़ा एयर का प्रॉब्लम हो रहा था जिस वजह से वो उसका चेकअप कराने गए, ठीक कराने गए। बाकी सब गाड़ियों की लोडिंग हो चुकी है, सुदीप भाई के आते ही हम यहाँ से सारे निकल जाएंगे, और उसके बाद अगला स्टॉप है हमारा संगम वैली। सो आर नेक्स्ट स्टॉप विल बी संगम वैली, जहाँ पे जंस्कार और इंडस यानी कि जंस्कार और सिंधु नदी का मिलन होता है। वहाँ पे एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, वहाँ पे आपको हम दिखाएंगे कैसा कितना शानदार व्यू है, आपने फोटोज़ वगैरह में देखा होगा और वीडियोस में देखा होगा। सो इसमें कोई ऐसा नई बात नहीं है, लेकिन हर एक का नज़रिया अलग होता है दिखाने का। सो मैं अपने नज़रिए से दिखाऊंगा, आपने जिनके भी नज़रिए से दिखा होगा बहुत बेहतर दिखा होगा, मुझे उम्मीद है मैं जिस नज़रिए से दिखाऊंगा वो व्यू वो आपको पसंद आएगा। और जल्दी से निकलते हैं यहाँ पे, जैसा मैंने बताया सुदीप भाई का वेट हो रहा है, सारी पैकिंग वैकिंग जो है ऑलमोस्ट डन है सभी गाड़ियों की, उनके आते ही निकलते हैं, और आज कोशिश करूँगा कि आपको रास्ते का व्यू दिखा पाऊँ।
पहुंच गए हैं, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है यहाँ पे, और कारगिल से हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं, अराउंड 100 किलोमीटर के लगभग आ चुके हैं। और ये जो है लास्ट ईयर भी हम लोग यहाँ पे आए थे, और मुझे वही पुराने जो लास्ट अपने ट्रिप की यादें ताज़ा हुई। यहाँ पे बुद्धा का स्टैचू है, यहाँ पे अराउंड 350 ईयर्स ओल्ड है, और ख़ास बात यह है कि यही इस पहाड़ में उसकी कार्विंग करके जो है बनाया गया है। लास्ट टाइम ही हम लोग जब आए थे यहाँ पे तो एक अलग ही वाइब्स आया था यहाँ पे। और इस कैफे में, ये जो पीछे दिखाई दे रहा है, इस कैफे में उन्होंने खाना खाया था, और अब इन्होंने कांच वाँच लगा लिया, बना था ओपन था, तो हमने यहाँ पे आलू पराठे खाए थे, बहुत बढ़िया आलू पराठे बना था ये। और ये जो पूरा मॉनेस्ट्री है, अंदर चलते हैं, अंदर लेके चलता हूँ, और इसका कितनी खूबसूरती से वो बुद्धा स्टैचू बनाया गया है वो दिखाऊंगा आपको। सो यही है वो बुद्धा का स्टैचू जो मैं आपको बता रहा था, ये इसी रॉक में क्रीविंग करके बनाया गया, अराउंड 300 to 350 ईयर्स ओल्ड है ये स्टैचू, और ये पूरा इन्होंने मॉनेस्ट्री यहाँ पे बनाया है, और एक अलग टाइप का वाइब आती है, शांति यहाँ पे मिलती है आते हैं तो। और इस पूरे ये बुद्धा स्टैचू का नाम है मैत्रेय बुद्धा, जिसे कहा जाता है कि फ्यूचर बुद्धा है, अगर फ्यूचर में बुद्धा का कुछ भी ऐसे अवतार अवतरित हुए तो इस तरह से दिखाई देंगे, ये इसका पूरा बेसिक थ्योरी है इस स्टैचू के पीछे। ये अराउंड 350 ईयर्स पुराना स्टैचू है, और लास्ट टाइम आया था मैं तो उस टाइम से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहा है लास्ट टाइम से, और काफ़ी ओल्ड है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, वुडन का बना हुआ है यहाँ पे, और बहुत 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 शांति वाली वाइब्स यहाँ पे आ रही है। सो हमने बुद्धा स्टैचू के दर्शन कर लिए, बुद्धा के दर्शन कर लिए, और अगला हमारा पड़ाव होगा यहाँ पे फोर्टिला टॉप, जहाँ से व्यू बहुत औसम आता है, और अगले स्टॉप पे मिलते हैं आपसे और दिखाते हैं आपको फोर्टिला टॉप का शानदार व्यू। द्वारा श्री पत्थर साहिब में, जो गुरु नानक देव जी से जिसकी कथा जुड़ी हुई है, तकरीबन आज से 500 से 600 साल पहले गुरु नानक देव जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने तपस्या की थी अपनी तीसरी यात्रा के दौरान, और तब वहाँ ऊपर जो लाइट दिख रही है वहाँ पर एक राक्षस रहता था जिसने गुरु जी को मारने की कोशिश की थी, वहाँ से ऊपर एक पत्थर फेंका था, तो गुरु जी के शरीर को स्पर्श करते वो पत्थर मोम की तरह नरम हो गया और गुरु जी का शरीर उसमें फंस गया। राक्षस को लगा कि गुरु जी मर गए, लेकिन नीचे आके देखा तो गुरु जी सही सलामत थे, तो गुरु जी को मारने के लिए उसने अपना पैर पत्थर पे मारा, लेकिन फिर भी गुरु जी को कुछ नहीं हुआ, और राक्षस को यह एहसास हो गया कि भाई उसने भगवान के एक सत्भक्त से दुश्मनी ले ली है, और उसके बाद से वो भी गुरु नानक देव जी का भक्त बन गया। थी वो जो पत्थर रखा है वो उस राक्षस ने गुरु जी पे फेंका, लेकिन चमत्कारिक रूप से वो पत्थर मोम की तरह बन गया और गुरु जी का शरीर उसमें चला गया, लेकिन राक्षस ने उन्हें मरा हुआ मानकर ये सोचा, और आके देखा तो गुरु जी बिल्कुल ठीक ठाक थे। राक्षस ने उन्हें मारने के लिए अपना पांव पत्थर पे मारा, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और चमत्कारिक रूप से गुरु जी सही सलामत थे। यह देख कर राक्षस को एहसास हुआ उसने गुरु नानक देव जी से दुश्मनी की है, जिसके बाद वो उनका भक्त बन गया। और यहाँ लंगर चल रहा है, थोड़ा सा लंगर चखेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो काफ़ी दिन में आया था, लेकिन आज हमें यहाँ थोड़ी रात हो गई है, हमें लेह पहुँचना है, 25 किलोमीटर और है, तो यहाँ हमने अभी लंगर चखा, दिन भर के हम लोग भूखे थे, हमने लंगर चखा, और अब हम आगे बढ़ेंगे दर्शन किए उस पत्थर के जो उस राक्षस ने फेंका था गुरुदेव के ऊपर, और उस पर उसके पैर का निशान अभी भी है, जिसके आप जब भी आए तो दर्शन कर सकते हैं। हे वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, और हम लोग कल शाम में जो है लेह लद्दाख पहुँच गए थे, एक ही सपना जो है दोबारा पूरा हो गया, इस बार दूसरी बाइक से, अपाचे से, बुलेट से तो हो ही चुका है, और कल रात को हम लोग पहुँचे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन सुबह सुबह हम लोग उठे हैं और गाड़ियाँ सारी जो हैं बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, सबकी वॉशिंग कराई गई हम लोग ने जा करके, और वॉशिंग कराने के बाद होटल वापस आए, और अब जा रहे हैं हम लोग लेह पैलेस,
और शांति स्तूपा, और कुछ लोग जो है शाम हो गई थी तो वो लोग मैग्नेटिक हिल नहीं देख पाए थे, संगम वैली नहीं देख पाए थे, तो मैं पहले गया हुआ हूँ, तो मैं इन सारों को जो है लेकर के जा रहा हूँ, और एक दो घंटे का काम है वहाँ से वापस आके, और फिर हम लोग शांति स्तूपा, लेह पैलेस, और इवनिंग में फिर हम लोग जो है यहाँ लेह का जो मेन मार्केट है वो एक्सप्लोर करेंगे। सिंधु नदी और जंस्कार नदी का मिलन का जो है ये पॉइंट है, संगम होता है जहाँ पे, और वो आप मेरे पीछे जब देख रहे होंगे वो जो ब्राउन कलर में दिख रही है वो है जंस्कार रिवर, और ये जो ब्लूइश है ये है सिंधु नदी, इंग्लिश में बोले तो इंडस रिवर, जो पाकिस्तान के थ्रू बहते हुए आती है यहाँ पर, और ये पूरा यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हम सबने इन्जॉय किया। कल हमें रात हो गई थी पहुँचते, इसलिए हम लोगों ने ये मिस कर दिया था, तो आज हमारे पास पूरा टाइम है, तो पूरा हम लोग वापस से ले से आए हैं यहाँ पे, जो तीनों पॉइंट हमारे छूट गए थे पूरे कवर करने के लिए, और आई थिंक सब लोग ने होपफुली इन्जॉय किया, जो भी वापस आया वापस आना सफल रहा है, अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने मिल गए हैं वापस आके, सर सब इन्जॉय मतलब टोटल हो गया अच्छे से, बहुत बढ़िया वापस आना सफल रहा, अच्छा रहा, अच्छा किया वापस, अच्छा किया वापस आए, और अभी काफ़ी टाइम बचा भी हम लोग के पास में, मुरली भाई है वो उधर नीचे चला गया, वो अलग ही आया फोटो वोटो लेने के लिए, उसका अपना एक एंगल है फोटो का, अब हमने डिसाइड किया कि हम यहीं से पूरी हम एंजॉय करेंगे, और तो ये हमारा लास्ट था, इसके बाद हम लोग वापस से फिर से ले जाने का है, और वहाँ पहुँचते हैं हम लोग 5 बजे तक, उसके बाद हम लोग ले पैलेस और शांति स्तूपा विजिट करेंगे। इस समय हम आ चुके हैं लेह लद्दाख के फेमस शांति स्तूपा में, और इससे पहले का भी जो ब्लॉग था आपको पसंद आया होगा, जो हमने दिखाया आपको संगम वैली, मैग्नेटिक हिल्स और गुरुद्वारा पत्थर साहिब, इसके बाद हम आ गए हैं लेह के शांति स्तूपा में, और ऊपर जा रहे हैं अब, ये जापानीज़ द्वारा बनवाया गया था स्तूपा जैसा यहाँ लिखा हुआ है, तो चलते हैं पहुँचते हैं ऊपर, पीछे देख सकते हो वो स्तूपा है, बाकी स्तूपा के पास से पूरी लेह सिटी के बहुत बढ़िया दर्शन होते हैं, बहुत बढ़िया व्यू आता है, तो चलिए ऊपर चलते हैं स्तूपा के पास। तो ये हम आ गए हैं शांति स्तूपा में, ये देख सकते हैं आप ये बड़ा सा स्तूपा, और इसके पूरा गैलरी बनी हुई है, गैलरी के राउंड 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 चल सकते हैं, और यहाँ से पूरी लेह सिटी का ऑसम व्यू आता है, और सामने देख सकते हो क्या सेक्सी व्यू आ रहा है बॉस, पूरी चारों तरफ माउंटेंस, और इस तरफ में लेह सिटी है, और ये रहा स्तूपा, शांति स्तूपा, ये देखो क्या ऑसम व्यू दिख रहा है पूरी लेह सिटी का यहाँ से, व्हाट अ व्यू। सो ये यहाँ सारे हमारे लोग जमा हैं, यहाँ पे ग्रुप फोटो लिया जाएगा सबका, और ये रहा स्तूपा, चलिए ग्रुप फोटो लेते हैं सब लोग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, और कल हम लोग ने लेह मार्केट पूरा एक्सप्लोर किया, वीडियो ज़्यादा नहीं है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था मेरे को, थोड़ा हेल्थ इशू भी था, तो ज़्यादा हम नहीं वो मैनेज कर पा रहे थे, लेकिन हाँ अभी थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ, और हम लोग अब निकल रहे हैं त्याक्षी की तरफ, लेह से हम लोग छोड़ रहे हैं लेह को, और सारी बाइक्स जो है यहाँ पर सारी पैक हो चुकी है, मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई अपनी बाइक पैक करने में, क्योंकि मेरी बाइक पर कोई भी कैरियर नहीं है सामान रखने के लिए, सैडल बैग तो आ जाते थे, लेकिन जो पेट्रोल कैन हम लोग ने कल खरीदे हैं जेरी कैन 10-10 लीटर के, उसको बांधने में बहुत मुश्किल हुई है, काफ़ी टाइम भी लगा है,
भगवान की दुआरी तो अच्छे से पार कर लेगी। थोड़ा सा हो सकता है वन साइड लोड ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो मैनेज करना होगा कैसे भी। और आज त्याक्षी यानी कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर हम लोग का स्टे है। शांत जगह हो चुकी है अब तो काफ़ी। 72 के वॉर में वो पाकिस्तान का हिस्सा था, वहीं जाने वाले हैं हम। और रास्ते में हमारा आएगा खारदुंगला पास, जो एक टाइम पे दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। अब जो है उमलिंगला है। फिर भी खारदुंगला जाना अपने आप में एक अचीवमेंट होता है हर बाइकर के लिए। मैं 2 साल पहले कर चुका हूँ, फिर से एक बार ये करने की कोशिश की जाएगी। कोशिश क्या कर ही लेंगे। तो ये देखिए किस तरह से मैंने कैसे भी मैनेज करके पैक किया है, ये दिख रहा होगा आपको। मेरे पास कोई भी कैरियर नहीं था, बस एक साड़ी गार्ड लगा हुआ था लेफ्ट में, तो इस तरह से पैक किया मैंने। सैडल बैग तो हिलेंगे नहीं, वो तो दोनों तरफ बराबर जम जाता है, लेकिन पेट्रोल कैन में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एक तो साड़ी गार्ड पे बांध दिया, दूसरा जो है यहाँ पे मुझे लगाना पड़ा, लेकिन वो बंजी कॉर्ड की कृपा से जो है काफ़ी टाइट है। और बाकी सैडल बैग तो टिके हुए हैं, और पीछे जो है वो बैग टिका रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो होपफुली अच्छे से निकल जाए, पार कर ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं सारी बाइक्स जो है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए ये अपना मुरली भाई की हिमालयन है, ये सुदीप भाई की क्लासिक 500 है, ये अपना 350 उधर पल्सर, उधर मीटियोर, वहाँ पे हंटर, ये एक और मीटियोर है। और ये पूरा यहाँ पे सारी बाइक्स लगी हैं। ये जैसा मैंने कहा हंटर, ये हमारे पीयूष सर की मोजो, इसका कल ये टॉप बॉक्स जो है टूट के गिर गया था, वेल्डिंग करानी पड़ी, लेकिन अब जो है काफ़ी बेहतर स्थिति में है। और ये जो बाइक है किसी हवाई जहाज़ से कम नहीं लगती है, स्पेशली जब आप इसको आगे से देखोगे। और सारे रेडी हैं। तो सर कितना टफ होने वाला है आज? खारदुंगला मैक्स 30-40% टफ रहेगा। कल थोड़ी बारिश हुई थी खारदुंगला में, तो अराउंड एक या दो आपको वाटर क्रॉसिंग मिलेंगे। नीचे रहते समय ठंड कितनी है? ठंड बहुत रहेगी, बहुत ज़्यादा है। विंड बहुत ज़्यादा है परसों से, तो ठंड और विंड बहुत ज़्यादा रहेंगी। इसके अलावा डिस्किट तक तेज़ हवा रहेंगी, तो डिस्किट तक थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा। उसके बाद में हम लोग टैक्सी तक पहुँचेंगे, तो टैक्सी में हमारा एक समय अराउंड 22-25 के आसपास टेम्परेचर रहेगा। ओके, वहाँ जाके गर्मी है फिर? हाँ, वहाँ जाके थोड़ी गर्मी मिलेगी। ओके, तो जैसा पीयूष सर ने बताया कि अभी जो खारदुंगला तक जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड है, इसलिए हम लोग सारे कवर करके रखे हुए हैं सब कुछ। मैंने तो एक्चुअली 5-5 लेयर पहने हुए हैं, देखते हैं कितना असर करते हैं। अभी तो काफ़ी गर्मी लग रही है यहाँ पे, लेकिन वहाँ जाके बोल रहे हैं कि ये भी काफ़ी कम पड़ जाएगा। मिलते हैं आपसे खारदुंगला पे। रास्ते में मेरे को अच्छा सा व्यू आता है तो रुक के फोटो ज़रूर खींचूंगा, फोटो ज़रूर दिखाऊंगा, हो सकता है वीडियो भी बना लूँ। और रास्ते की वीडियो अगर ठंड रही तो थोड़े कम मिलेंगे, उसके लिए अभी से माफ़ी चाहता हूँ।